आपके साथ। पूर्णिया विश्वविद्यालय के वित्तीय अधिकारी SP तिवारी आए सामने, तत्काल प्रभाव से निलंबित मामले में दी अपनी सफाई। कहा, कुलपति अपनी मर्जी से कर रहे हैं सारे फैसले, तत्काल निलंबन का फैसला कुलपति को लेने का अधिकार नहीं। कुलपति ने अभद्र व्यवहार का आरोप लगाकर किया था वित्तीय अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित। वित्तीय अधिकारी ने राजभवन को पत्र लिखने का किया फैसला, अब मामला राजभवन में सुलझेगा। ये सब गलत है, कोई मतलब नहीं है। ऋषि का ये अपना मन का किया हुआ चीज, उनको कोई पावर नहीं है फाइनेंस अफसर को अपने लेवल से सस्पेंड कर देने का। सेक्शन 7 और 8 यूनिवर्सिटी एक्ट, बिहार यूनिवर्सिटी एक्ट में प्रोविजन है कि चांसलर ही कंपिटेंट अथॉरिटी है एफओ को सस्पेंड करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए या फिर डिस्चार्ज कर। सर, ये आरोप लगाया जा रहा है कुछ अभद्र व्यवहार के बारे में, ये क्या है? अभद्र व्यवहार उनके मन का है, डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है उनका, वो किसी की बात को नहीं सुनते हैं। कोई अगर सुझाव देता है तो उनको लगता है कि हमको सुझाव दे रहा है, और क्या, अदरवाइज आदरणीय है, हम लोगों के ऋषि हैं, ऋषि हेड ऑफ द ऑफिस होता है। लेकिन इस तरह से बढ़िया बात नहीं है। आप, हम आए हैं काम करने के लिए तो काम करना ज़रूरी है, बहुत सारा पेंडिंग वर्क है उसको करना ज़रूरी था, लेकिन इसमें बाधा उपस्थित हुआ है। ऋषि महोदय को हम लोग तो सपोर्ट करने के लिए आए हैं ना, यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा है, यूनिवर्सिटी का काम है, नया क्रिएशन है, इसलिए ज़रूरी है। लेकिन अब पता नहीं कहाँ से उनको दिमाग में आता है कि मैं सस्पेंड कर सकता हूँ। सर, अभी फ़िलहाल आपकी तरफ से कैसे पहल हो रही है अब क्या? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, वो चिट्ठी लिखे हैं शायद गवर्नर हाउस, गवर्नर हाउस से अगर उनके सस्पेंशन का विषय आ जाता है तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, क्यों रहूँगा मैं। तो आपने सर कोई चिट्ठी वगैरह गवर्नर, मैं भी खुद लिखूँगा गवर्नर हाउस को, उसके बारे में बताऊँगा कि ऐसा ऐसा हुआ है, और जो अब वहाँ से होता है डायरेक्शन उसके अनुसार काम करना होगा। और कुछ छात्र भी सर परेशान हो रहे थे कि उनका भी फंड अटका हुआ है, कहीं वित्त विभाग के पदाधिकारी के चले जाने से उनका फंड रह ना जाए। निश्चित रूप से बहुत सारा काम यहाँ लंबित है, SV सिन्हा कमीशन से रिलेटेड लोगों का हमारे आने के बाद 75% हमने पेमेंट किया है, और किसी तरह से पेमेंट किया जो कि सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल करना था तो किया हमने, और पेंशन केसेस के लिए पेंशन सेल बनवाया था, लोगों को तनख्वाह देने की बात थी, या के अलॉटमेंट के लिए वहाँ फ्री रिसिप्ट करके आए हैं, ये सब काम फाइनेंशियल मैटर तो बहुत सारा था करना था। लेकिन ऋषि साहब शायद बहुत खुश नहीं होंगे हमसे, हमारे काम से बहुत सारी बातें जो फाइनेंशियल यूटीज हमारे सामने आएगी हम तो नहीं निकलने देंगे, मैं रोक लगाऊंगा उस पर, हो सकता है ये सब भी कारण है। लेकिन सर, वो जो अभद्र व्यवहार आ रहा है ये एक नई बात समझ में थी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मैं अभद्र व्यवहार करने वाला हो सकता हूँ एक पद पे बैठ के? वो भी अभद्र व्यवहार तो CCTV फुटेज लगा हुआ है, वो देख लेंगे लोग, 10 आदमी थे 10 आदमी तो उनके अपने हमेशा बैठे रहते हैं वहाँ। मैं तो यहाँ फाइनेंस अफसर के रूप में ज्वाइन किया है SP तिवारी, और इससे पहले मैं मौलाना मजहरुल हक में भी फाइनेंस अफसर था, साल वहाँ काम किया है। सर, कितने दिनों से आप यहाँ अपॉइंट हुए हैं? हम 3/11 को यहाँ राजभवन से डरे, थैंक यू। 2/11 को हम वहाँ से आए हैं, यानी करीब डेढ़ लिविंग होकर 2/11 को वहाँ से आए, 3 को यहाँ ज्वाइन, करीब डेढ़ महीने के करीब 40 दिन, एक महीना भी नहीं हुआ होगा, बीच में तो छुट्टी कोई परफॉर्मेंस बहुत करने का मौका नहीं है ना।